नमस्कार, मैं माही लाल आनंद। लालू जी की विकास यात्रा से पहले ये बात बता दे कि अभी लालू जी 72 साल के हैं, जेल में हैं, 11 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अपने उम्र के 83 साल तक वहीं रहेंगे जहां हैं। भगवान उनको 100 साल की उम्र दे जिससे फिनो राजनीति में आकर जनता सबका सेवा कर सके। अब देखते हैं लालू जी की विकास यात्रा। नमस्कार। राजनीति के शिखर तक पहुंचने वाला फिरकी दिमाग का मस्खरी करने वाला नेता, शून्य से हजारों करोड़ों की संपत्ति बनाने वाला नेता, संभवतः राजनीति का अंत जेल में देखने वाला नेता, जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव, गांव फुलवरिया, गोपालगंज, बिहार, माई का नाम मराछिया देवी, पिता का नाम कुंदन राय, यादव लोग राय भी लिखते हैं। लालू जी के पिता खेतीहर मजदूर थे, दूध भी बेचते थे, सजग थे, बच्चों को पढ़ाने वाले पिता थे। लालू जी के बड़े भाई को एक कॉलेज में चपरासी की नौकरी मिल गई पटना में। अब लालू जी बड़े भाई के साथ चपरासी क्वार्टर में आकर रहने लगे। 1948 में जन्मे लालू यादव कॉलेज के दिनों से ही छात्र राजनीति करने लगे थे। 1970 में ग्रेजुएशन में थे और उन्होंने उस समय भी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। फिर उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लिया, व्यवहारिक फैसला लिया, और ये कि उनके भाई जो वेटरनरी कॉलेज में चपरासी की नौकरी करते थे, वहीं वो डेली वेजेज की नौकरी करने लगे। अब डेली वेजेज पे कोई बाबू तो बनता नहीं है, तो आप जानते ही हैं। 3 साल बाद 1973 में कानून की पढ़ाई करने लालू यादव फिर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए और फिर छात्र की राजनीति किया, फिर चुनाव लड़े, और इस बार वो पटना स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए। लालू जी के लिए ये बिल्कुल सही समय था। देश में इमरजेंसी लागू था, जय प्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन की घोषणा की और लालू यादव उसमें कूद पड़े। लालू शुरू से ही नाटकबाज थे। इमरजेंसी का टाइम था, पुलिस आई, पकड़ी, दो चार डंडे मारी। लालू यादव ने क्या किया, पुलिस के जीप के ऊपर चढ़ गए, अपने कपड़े फाड़े, चीखे चिल्लाए, छाती पीटे, फोटो खींचे गए फटाफट। अगले दिन अखबार में लालू यादव की फोटो छपी, पीठ पे डंडे के निशान थे। लालू रातों रात हिट हो गए, पहचाने जाने लगे, फेमस हो गए। 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ, लालू यादव को छपरा में टिकट मिला, लालू चुनाव जीत गए। 29 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव बन गए सांसद। जेपी ने, जय प्रकाश नारायण ने लालू यादव को स्टूडेंट एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया, और इस कमेटी की ये जिम्मेदारी थी कि चुनाव में खड़े होने वालों के लिए टिकट बांटते थे। अब भैया, लालू यादव जो सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, वो अपने भाई के साथ वहाँ बड़े बड़े नेताओं की कतार लगने लगी, लालू जी का कद बढ़ने लगा। 1980 में लालू जी की सांसदी चली गई, केंद्र में सरकार गिर गई, लेकिन लालू जी इसी साल बिहार का एमएलए बन गए। लोकदल से चुनाव लड़कर 1985 में बिहार विधानसभा का चुनाव जीता। 1988 में कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हो गया और लालू जी बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बन गए। 1990 में जनता दल ने वापसी की, सीपीआई के साथ इतनी सीटें जुटा ली कि बिहार में सरकार बना सकते थे। अब जोर तोर की राजनीति के बाद भैया लालू प्रसाद बन गए बिहार के मुख्यमंत्री, और फिर उन्होंने शुरू किया दिखाना अपना करामाती दिमाग। अब तक बिहार में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहारों की ही चलती थी शासन में, लालू जी आ गए, इन्होंने मुसलमान और यादव का समीकरण बनाया। सच पूछिए तो दिया कुछ नहीं, लेकिन गरीब, पिछड़े, दलितों की आवाज़ बन गए। एक झूठी तसल्ली नहीं, एक झूठी ताकत दे दी, और बिहार में जाति समीकरण की राजनीति घर कर गई, पलायन शुरू हो गया। नारे भी दिए अजीब अजीब, भूरा बाल हटाओ, भूरा बाल भू से भूमियार, आर से राजपूत, रा राजपूत, बौ से ब्राह्मण, लौ से लाला, कैस्ट,
हटाओ, भूरा बाल हटाओ, लाओ किसको, माय का समीकरण दिया, एम से मुसलमान, वाई से यादव। लालू यादव की फिर के दिमाग में पता था कि वोट कहाँ से आते हैं और कितने वोट आने से सत्ता बनी रहती है। अरे हाँ, लाल कृष्ण अडवाणी रथ यात्रा पर निकले थे वो राम मंदिर बनाने, बिहार में लालू जी ने रथ रोक लिया, लाल कृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, भाई लोग सेक्युलर चेहरा बन गए लालू जी। लालू जी के पहले शासन काल से ही पलायन शुरू हो गया, दूसरे शासन काल से तो पलायन के साथ साथ वहाँ जंगल राज पराकाष्ठा तक पहुँच गई। लोग कहते हैं कि एक अन्य मार्ग में ही फिरौतियाँ सेटल होती थी। एक थे ब्रह्मदेव पासवान, उन्होंने लालू जी की तारीफ में लालू चालीसा लिखी थी। वो ब्रह्मदेव पासवान को लालू जी ने क्या पुरस्कार दिया बता रहा हूँ, उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। एक गरीब मजदूर का बेटा लालू यादव के हाथ में सत्ता और शक्ति आ गई। खुराफाती दिमाग तो था ही, कमाई करो जैसे भी हो, अमीर बनो जैसे भी हो, जो भी चमचागिरी करे उसे भी अमीर बनाओ। 1990 से 1996 आ गए, लालू जी ने दबा के पैसे बनाए, इनका कुनबा तबाही मचाता रहा। 1996 में सिंहभूम जिले में एनिमल हस्बेंड्री विभाग पर छापा पड़ा, पता चला कि भूसे के बदले बिहार सरकार के खजाने से अनाप शनाप बिल लिए जा रहे हैं। इसी घोटाले का नाम पड़ा चारा घोटाला, और इसके पीछे दो नाम निकले, एक थे जगन्नाथ मिश्र और दूसरे थे लालू प्रसाद यादव। भैया बहुत गहरी बात थी, सीबीआई वारंट लेकर आ गए, लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। वो लालू प्रसाद यादव जो कभी आंदोलन के लिए जेल गए थे, अब आरोपी होकर जेल गए थे। लेकिन भाई लोग, लालू के करामाती दिमाग ने कमाल का फैसला लिया, पत्नी रावरी देवी को जो चौथी क्लास भी पास नहीं थी बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। बताइए, रावरी देवी कभी वो घर से एकदम बाहर नहीं निकली थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया और जनता पार्टी तोड़कर अपना राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। पावर ऑफ लालू देखिए, इसमें आपको भारत के प्रजातंत्र का चेहरा भी दिखेगा। लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और कितने दिनों तक बनाए रखा बता रहा हूँ। पहला कार्यकाल इनका 2 सालों का था, दूसरा पूरे 5 सालों का, तीसरा भी पूरे 5 सालों का। लालू यादव जेल में रहें या बाहर, बिहार की सत्ता उन्हीं के हाथों में रही और बिहार को वही चलाते रहे। लालू जी ने अपना इमेज बरकरार रखा, वो जनता का नेता वाला इमेज, मस्खरा नेता का इमेज। वो अपने बाथरूम में भले ही टूथब्रश से दांत साफ करें, लेकिन बाहर आकर के नीम के दांतों से दांत साफ करते थे, जूते के बदले हवाई चप्पल पहनते थे, पत्रकारों को बुलाते थे, गाय का दूध दूहते हुए बात करते थे, इंटरव्यू देते थे। अच्छा, अपने वोटरों से कैसे कहते थे, देखो वो जो वोट देने जाओगे तो लालटेन के जो निशान है उसके सामने उम्मीदवार का नाम लिखा होगा, और वहीं हारमोनियम जैसा एक बटन होगा उसको दबाना है, धीरे से दबाना है, जोर से कचकचा के मत दबा देना नहीं तो टूट जाएगा, और जब दबाओगे तो पी की आवाज आएगी तो समझो तुम्हारा काम हो गया। अगर पी की आवाज नहीं आई तो फिर प्रॉब्लम है, वहां एकदम हल्ला मचा देना भैया कि पी की आवाज नहीं आई। एक जमाने में लालू के विरोधी रहे नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि लालू जी की याददाश्त बहुत ही जबरदस्त है। एक छोटे से पब्लिक मीटिंग में लालू यादव जी के साथ शिवानंद तिवारी भी थे, वहाँ की कहानी बताते हुए उन्होंने कहते हैं कि हम लोग जरा पहले पहुँच गए थे, कार्यकर्ता लोग आने वाले थे, तो वहाँ एक भीड़ लगने लगी, तो एक औरत जिसके गोद में बच्चा था वो लालू यादव को देख रही थी, लालू यादव की नज़र उन पर पड़ी, तो लालू जी ने कहा अरे सुखमिनी तू यहाँ कैसे, सुखमिनी बोली कि हमारा यहाँ ब्याह हुआ है। अच्छा अच्छा, लालू यादव की याददाश्त देखिए, कहते हैं कि वो तुम्हारी छोटकी बहन पवित्री कहाँ है, तो उसका भी ब्याह हुआ है दूसरे गांव में, बगल वाले गांव में। लालू यादव ने फटाक से जेब से 500 रुपये निकाले, सुखमिनी को दिए, बोले कि जो बचवा तुम्हारा है ना इसके लिए मिठाई ले आना, हाँ
अब भूल गई, सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, सामने मुसहरी टोला में तुम लोग रहती थी, तुम सब के लिए तुम बड़का भाई जैसे थे। जनाब, लालू की इस एक अदा पे पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा जाति वोट देने के लिए इनके पक्ष में उम्र पड़ती थी। ये मैजिक ऑफ लालू था और ऐसी बातें इन्होंने कई बार कई जगह की थी। 2005 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री रहे, लेकिन सीबीआई ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। बिहार का जंगल राज असर कर रहा था। 2009 के चुनाव में लालू यादव के सिर्फ 2 सांसद संसद पहुंच पाए थे और सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला भी सुना दिया था। लालू को जेल की सजा हुई थी और चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई थी। भाई लोग, लेकिन ये लालू यादव के राजनीतिक जीवन का अंत हरगिज नहीं था। 2015 के चुनाव में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी। लालू जी ने एक सेकंड भी देर नहीं की, सपोर्ट कर दिया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री। लालू जी के दोनों बेटे जवान हो गए थे, तेजस्वी बन गए उप मुख्यमंत्री, तेज प्रताप बन गए स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव का जेल हो गया हॉस्पिटल। बिहार की सत्ता फिर से मुट्ठी में आ गई थी। लेकिन भाई लोग, पटना का सबसे बड़ा मॉल बनाने से लेकर मिट्टी घोटाले से लेकर कई उलझुल घटनाओं में लालू पुत्र बदनाम होने लगे। नीतीश कुमार का इन लोगों के साथ दम घुटने लगा। नीतीश जल्दी से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए, उनसे बातचीत करी और अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते ही सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को सपोर्ट कर दिया और नीतीश दोबारा बन गए मुख्यमंत्री और सत्ता से बाहर हो गए लालू एंड फैमिली। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार की मिट्टी पलीद करने में लालू यादव का योगदान जबरदस्त है। लालू यादव एक ऐसे नेता रहे जो खुद तो राजनीतिक शिखर तक पहुंचे, शीर्ष तक पहुंचे और अपनी चौथी क्लास पास पत्नी को बिहार का 12 सालों तक मुख्यमंत्री बनाए रखा। 10वीं क्लास, 12वीं क्लास पास, अपने बेटों को उप मुख्यमंत्री बनाया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया, अकूत संपत्ति अर्जित की और आज जेल की सजा काट रहे हैं। जिंदगी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। ये राजनीति है, ये लालू जी की फिरकी दिमाग और मसखरा अंदाज से कोई भी कहानी बन सकती है। ये प्रजातंत्र मूर्खों का तंत्र है, इसे लालू जी ने साबित किया और बिहार में तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिट बैठा। जाति की समीकरण की राजनीति ऐसी घर कर गई बिहार में कि आज तक जो भी सत्ता में है, सत्ता बनाए रखने में ही उलझा रहता है, वहाँ का विकास क्या होगा। तो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हमारे साथ आपका एक छोटा सा भी कमेंट, एक छोटी सी भी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखती है। तो इजाज़त दीजिए। जय हिंद।